कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री ने 3 मई तक के लिए देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का हर किसी ने समर्थन किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी फैसले को सही बताया। प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी मार्गदर्शन हुआ, देश की, लोगों की, गरीबों की चिंता और उनकी दिक्कतें कम करने की योजना भी इसमें झलकी। कल मार्गदर्शक सूचनाएं आएगी, जिससे देश में 20 तारीख के बाद कैसे बदलाव होंगे वो भी बताया जाएगा। दिहाड़ी मजदूर, रोजी रोटी कमाने वाले, असंगठित मजदूर, किसान, बुजुर्ग सबकी चिंता इस भाषण में झलकी। सही फैसला है, बगैर लॉकडाउन के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सारा देश चिंतित है, पूरी दुनिया परेशान है। इन हालात के अंदर, हमारे देश के अंदर लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश प्रधानमंत्री के साथ है, हम उनके साथ हैं इस लड़ाई के अंदर। कि हमारे पास में कम संसाधन होने के बावजूद भी, आबादी का घनत्व ज्यादा होने के बावजूद भी, हम दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास एक ही शस्त्र था, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो था संयम और अनुशासन की दम पर हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, एक प्रकार से मध्यांतर है, और इसलिए जिस शक्ति की प्रार्थना प्रधानमंत्री ने की है, मुझे विश्वास है कि देश की जनता उसे हर हाल में संकल्प के रूप में लेगी। जैसा उसने 21 दिन का संकल्प लिया था, इसको और शक्ति के साथ पालन करेगी। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है, और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन आएगी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार उसका इम्प्लीमेंट कराएगी और जनता का पूरा समर्थन और सहयोग। हर कोई इस लॉकडाउन